लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दत्ता गंगाले ने आज सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच अपना जन्मदिन मनाया। सीवुड्स के श्री शनिदेव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में युवा नेता दत्ता गंगाले ने केक काटा और सैकड़ों समर्थकों की शुभेच्छा स्वीकार की। इस अवसर पर उन्होंने जनता की सेवा का संकल्प दोहराते हुए जन्मदिन पर शुभेच्छा देने वालों के प्रति आभार भी जताया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले ने आज अपना जन्मदिन बेहद सादगी भरे अंदाज में मनाया। सीवुड के श्री शनिदेव मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में युवा नेता ने केक काटा और सैकड़ों समर्थकों के शुभकामनाएं स्वीकार की। इस अवसर पर पूर्व नगर सेविका शुभांगी पाटिल, युवती मोर्चा के जिलाध्यक्षा सुहासिनी नायडू और विनोद उपाध्याय समेत तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने पुष्पगुच्छ देकर युवा नेता को शुभेच्छा प्रदान की। गौरतलब है कि युवा नेता दत्ता गंगाले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दो दिनों तक जनसेवी उपक्रम चलाए गए, जिसमें श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड, कोरोना प्रभावित अनुदान फॉर्म जैसे सरकारी दस्तावेजों के लिए शिविर लगाया गया, जबकि दूसरे दिन रक्तदान और फ्री हेल्थ कैंप चला। इन उपक्रमों को युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले ने जनसेवा का जरिया बताया और अपने जन्मदिन पर शुभेच्छा देने वालों के प्रति आभार भी जताया। आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर आप देख रहे हैं, पिछले दो दिनों से सामाजिक विधायक कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं। आज रक्तदान शिविर का भी आयोजन सुबह में इस जगह पर ही था और मेरे सभी जो साथी है, वो चाहे धर्मवीर संभाजी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, कुछ माथाड़ी कामगारों के माध्यम से जुड़े हुए हैं और मेरे जो वार्ड के विभाग के सीवुड के जो रहवासी हैं, उन सब का प्यार प्रेम इस जन्मदिन के अवसर पर मुझे हमेशा से मिलता आया है और वही आज भी यहाँ पर दिखाई दिया। जो मेरे को बधाई देने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं, उनकी अपेक्षा के ऊपर खड़ा उतरना ये मेरी सबसे बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को सामाजिक कार्य के रूप में मैं मेरे अगले सामाजिक राजकीय जीवन में वो चुनौतियाँ पार कर सकूँगा, यही ताकत मैं भगवान से चाहता हूँ कि वो शक्ति दे दे। नवी मुंबई करों को यही संदेश देना चाहते हैं कि जन्मदिन जैसे मेरे साथियों ने दो दिन विधायक कामों से मनाया, वैसे ही जो जन विधायक काम है जो लोगों के हित में है वो जन्मदिन के अवसर पर किए जाए और जन्मदिन नहीं होते हुए भी विधायक काम करते रहना चाहिए। जो सामाजिक जीवन में है, राजकीय जीवन में है, उसमें काम करते रहना चाहिए और जो लोग सामाजिक और राजकीय जीवन में काम कर रहे उनके अच्छे कामों के पीछे नई मुंबई करके जनता ने रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।